इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड हर पल खतरनाक चुनौतियों के लिए तैयार रहती है। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर कभी बॉर्डर पर दुश्मनों से दो दो हाथ करने पड़ते हैं तो कभी जरूरत पड़ने पर सिविल पॉपुलेशन के बीच छिपे आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने का मुश्किल काम। दोनों ही परिस्थितियों में नॉर्दर्न कमांड के जांबाज सोल्जर्स अपने काम को सलीके से अंजाम देने में माहिर है। नॉर्दर्न कमांड के 15 कोर में आने वाले सोल्जर्स को इन दोनों कामों के लिए तैयार करता है 15 कोर बैटल स्कूल क्रियू। हियर इन 15 कोर बैटल स्कूल वी फोकस मेनली ऑन फोर एस्पेक्ट्स, दैट इज ऑपरेशनली ओरिएंटिंग द ट्रूप्स व्हिच कम हियर, इंपार्टिंग देम सॉफ्ट स्किल्स, इंपार्टिंग देम हार्ड स्किल्स एंड इंपार्टिंग देम सर्वाइवल स्किल्स। वी हैव adequate training infrastructure to take care of these focus areas. 15 core battle school CRIU ka course ek refresher course ki tarah hota hai jisme already trained soldiers ko kashmir ki zameen mein operate karne ke liye zaruri khas jankari aur training di jati hai. Assalamualaikum jinaab. वालेकुम सलाम जनाब। बच्चे सब खैरियत से है? हाँ साहब। घर में कितने मेहमान ठहरे हैं? इस ट्रेनिंग का फोकस होता है सिविलियन पॉपुलेशन के साथ पूरी इज्जत से पेश आते हुए उनकी हिफाजत करना और साथ ही उनमें छिपे आतंकवादियों को ढूंढकर न्यूट्रलाइज करना। अल्फा 1 अक्टूबर खानपुरा गांव से 3 बंदूक की हरकत हो रही है जिसमें से एक हथियार नहीं दिख रहा है लेकिन 2 और 3 के पास हथियार नजर आ रहा है। और ओके ऑल पार्टी अलर्ट। सोल्जर्स को टैक्टिकली प्रिपेयर करने के लिए यहां विभिन्न तरह की फायरिंग रेंजेस बनाई गई हैं। वेरियस रेंजेस लाइक फायर एंड मूव, व्हीकल फायर, कैस्पर व्हीकल फायर, एम्बिडेक्स्ट्रस फायरिंग, दीज आर द एक्सपोजर्स वी ट्राइड टू गिव द ट्रेनीज ओवर हियर। फायरिंग के साथ इन सोल्जर्स को काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट में पेश आने वाली अलग अलग परिस्थितियों से रूबरू करवाया जाता है। ये इन्हें इन सिचुएशंस को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। ट्रेनीज को कुछ खास सिचुएशंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए 15 CBS में एक मॉडल विलेज बनाया गया है। अभी आप अपना ध्यान आपकी बाएं ले जाएं तो एक असल पार्टी कमांडर के आदेश के ऊपर एक असल पार्टी टारगेट हाउस की तरफ मल्टी डायरेक्शन से अप्रोच करते हुए नजर आएगी। यहाँ पर आने वाले ट्रेनिंग को हम सिखाई देते हैं सर्च हमेशा टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ किया जाए। मल्टीपेल नंबर 1 के द्वारा टॉप फ्लोर क्लियर किया जाता है। इस विलेज में वो सब कुछ है जो सैनिकों को अपनी तैनाती के दौरान मिल सकता है। के सारे सामान बाहर निकालकर जब भट्टे को पूरी पुश करके देखा गया। CBS में दी जाने वाली ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर काम करती है। ट्रेनीज को फिजिकली मजबूत बनाने के लिए उन्हें कई किस्म के एक्सरसाइजेस और ऑब्स्टेकल कोर्सेस से गुजारा जाता है। इनमें एंड्योरेंस रन खास होता है। ट्रेनीज ये काम 12-12 सैनिकों के ग्रुप में करते हैं। इसके तहत ट्रेनीज को पूरे साजो सामान के साथ एक मुश्किल पहाड़ी रास्ते को समय सीमा के अंदर तय करना होता है। ये हरगिज आसान नहीं होता है पर इसे पूरा करने के बाद ट्रेनीज में किसी भी सिचुएशन को फेस करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है।
CBS क्रियो की एक ट्रेनिंग, जहां एक तरफ इन सोल्जर्स को स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देती है, उन्हें मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी ऑपरेट करने के लिए तैयार करती है। सलाम फौजी साहब। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए यहां की सिविल पॉपुलेशन को हिफाजत और सम्मान के साथ निडर होकर अपना काम करने में मदद करती है। लकड़ी बेचकर परिवार का गुजारा करता हूं साहब। और ऑपरेशन के अंदर अलग अलग रेजिमेंट से आए सोल्जर्स इस ट्रेनिंग में एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करते हैं और साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में वो कभी भी पीछे न हटें। ये इस ट्रेनिंग का रिजल्ट ही है जो कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में भी आज शांति और समृद्धि अपने पैर पसार रही है।